दोस्तों नमस्ते। आज की इस इंटरव्यू श्रृंखला में आज का जो विषय रहेगा वो गणित विषय की तैयारी को लेकर रहेगा। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर गणित विषय से तैयारी कैसे करें, और मैं भी इस संदर्भ में सोच रहा था कि मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको परिचय करूं जिन्होंने गणित विषय को बहुत अच्छी तरीके से जिया है, जिन्होंने गणित विषय को बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाया है। तो अध्ययन अध्यापन में जिनका बड़ा नाम है, जिन्होंने शून्य से शुरुआत करते हुए शिखर को छुआ है, और एक प्रकार से शेखावाटी क्षेत्र में मैथ्स के लेजेंड कहे जाने वाले श्री दीपक जी टेलर आज हमारे साथ हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। मैं परिचय बताना चाहूँगा, दीपक जी वर्तमान में राजकीय स्कूल लेक्चर पद पे आप कार्यरत हैं, और आपने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में ऑल राजस्थान में चौथी रैंक प्राप्त की, और मैथ जो सब्जेक्ट विशेष है उसमें आपकी राजस्थान में पहली रैंक थी। और हमेशा से ये देखने में आया है कि आप सब्जेक्ट में हमेशा टॉपर रहते हैं, और बाकी जो पेपर है जीके जीएस वहाँ कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कम रह जाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट में आप हमेशा से अव्वल रहे हैं। सर, आपने नेट भी कर रखा है, आपने सेट भी कर रखा है, और आपने गणित विषय से एमफिल भी कर रखा है, और एक लंबे समय से आप अध्यापन से जुड़े हुए हैं। और मुझे याद है कि आपके पिछले 3 वर्ष में बहुत सारे बच्चों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी की विभिन्न एग्जाम्स में टॉप किया है, जो परी एग्जाम्स होती हैं उनमें। इसके अलावा सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता में आपने सैकड़ों सिलेक्शन दिए हैं। सर, सबसे पहले मैं शुरुआत यहीं से करूँगा कि मैथ में एक बहुत बड़ा आपका इंटरेस्ट रहा है, हमेशा से मैथ में आपकी एक रुचि रही है, ये रुचि सर आपकी कैसे क्रिएट कैसे हुई मैथ में, बताना चाहेंगे सर कुछ? सबसे पहले तो मैं भाई साहब धीर सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि लाखों करोड़ों बच्चों के साथ उन्होंने मुझे जुड़ने का मौका दिया। जहाँ तक रुचि का विषय है, मैं बताना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों को भी और भाई साहब को भी कि 2009 में जब मैंने MSc किया तभी से मेरी गणित विषय में रुचि प्रारंभ हो गई थी। मैंने स्टार्ट किया बेसिक कक्षा दस की किताबें होती हैं वहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया, वापस से स्टार्ट किया पूरे मैथमेटिक्स को। ग्रेजुएशन की किताबें हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन की किताबें हुई, एक एक करके सारे कंसेप्ट को पहले पढ़ा, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मैं पढ़ता गया वैसे वैसे मुझे इस विषय में रुचि मिलती गई। वेरी गुड सर, जैसा आपने बताया कि रुचि हमारी इच्छा पे डिपेंड है, और यदि हम चाहें तो किसी भी विषय को अपना ऐसा सब्जेक्ट बना सकते हैं जिसमें हम अपना प्रमुख रैंक के साथ उसमें अपन परचम लहरा सकें। सर, स्कूल व्याख्याता के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बच्चों के कि स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड RPSC की तैयारी अपन मैथ विषय से करें, तो उसकी प्रारंभिक रणनीति क्या हो कि अपन शुरुआत कहाँ से करें, और वो कौन सी टेक्स्ट किताबें अपन पढ़ें ताकि अपन, जैसे कि आपने हमेशा मैथ विषय में लगभग टॉप रैंक के साथ आपने स्थान प्राप्त किया है, तो वो सामान्य बच्चा भी एक टॉप रैंक के साथ स्थान प्राप्त कर सके, उसके लिए आप कौन सी बुक्स, कौन सी रणनीति आप सजेस्ट करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स में सिलेक्शन थोड़ा आसान माना जाता है बनिस्पत बाकी विषयों के, और मुख्य मुद्दा ये भी रहा है कि यहाँ स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा हार्ड वर्क की आवश्यकता ज़्यादा रहती है। अगर बच्चा स्मार्ट स्टडी पर कंसंट्रेट करेगा तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा, क्योंकि वो कुछ विषयों को छोड़ के चलता है। लेकिन अगर वो हार्ड वर्क करे, जो भी विषय वो पढ़ रहा है उसको कम्प्लीटली पढ़े, कंसेप्ट से प्रारंभ करे, सामान्य समस्याओं से प्रारंभ करे, उसके बाद जैसे जैसे जटिल समस्याओं की ओर वो बढ़ेगा उस विषय में, उस पर्टिकुलर टॉपिक में उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। जहाँ तक वैसे आपने बात की कि कौन कौन सी किताबें उसे पढ़नी चाहिए बच्चे को व्याख्याता भर्ती परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छे अंकों से, तो मैं बताना चाहूँगा कि जब 2009 के आसपास NCERT का सिलेबस लगा था, उस NCERT के सिलेबस से पहले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कुछ किताबें चलती थी। आपको ध्यान होगा 4 किताबें लगभग कक्षा 11 में चलती थी और 4 किताबें ही कक्षा 12 में चलती थी। तो मैं सभी बच्चों से ये कहूँगा कि आप जब भी इस व्याख्याता भर्ती परीक्षा या वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करें तो अपनी शुरुआत सदैव उन किताबों से करें। वो किताबें बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखी हुई हैं और हर कंसेप्ट को उनको बहुत क्लियर करके लिखा हुआ है। आपको मैं बता देता हूँ कि कुछ विषय हैं, जैसे मैं चर्चा करूँ कि जैसे प्रायिकता का विषय हो गया, सीमा और सांतत्य की अवधारणा का विषय हो गया, अवकलन के अनुप्रयोग की अवधारणा हो गई, प्रतिलोम वृत्तीय फलन की अवधारणा हो गई, या क्रमचय और संचय की विषय की बात हो गई। ये जो 5 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इन टॉपिकों के लिए तो आप NCERT की किताबों को प्रिफर करें, और बाकी जो भी विषय हैं कक्षा 11 और 12 की जो कि तैयारी की बात कर रहे हैं, हम जो फर्स्ट लेवल में 55 क्वेश्चन आते हैं उनकी, उसके लिए हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुरानी किताबें हैं उनको प्रेफर करें। अब जो किताबें आ रही हैं बाज़ार में या फिर अब जो सिलेबस लग रहा है उसमें अपने पूरे टॉपिक्स नहीं हैं, क्योंकि समाकलन की चर्चा कर लो, आजकल की किताबों में समाकलन का सिर्फ एक पार्ट है,
तब जब 2009 से पहले की बात करें हम 2009 के आसपास की, तब पूरे समाकलन की पूरी किताब हुआ करती थी, पूरा बुक था समाकलन के चैप्टर का। तो कहना चाहूँगा कि जो भी पढ़ें डिटेल में पढ़ें, हल्के फुल्के में पढ़ने की बजाय उसको अगर आप सारगर्भित रूप से पढ़ेंगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कक्षा 12 के लेवल पर ही ये किताब आती है सर आर डी शर्मा की, अगर आप चाहो तो आर डी शर्मा को भी प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा एक बुक है जयपुर पब्लिकेशन हाउस की किताब आती है जिसके राइटर हैं डॉक्टर एस आर सैनी, आप इसमें से या यूनिवर्सल सेल्फ एक्सप्लोरर में से किसी एक बुक को परचेज करें, दोनों को ना करें, क्योंकि इन दोनों में से लगभग अगर आप प्रॉब्लम्स की बात करोगे तो 60-70% दोनों में सेम ही है, तो ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों में से किसी एक किताब को परचेज करें। अगर आप एस आर सैनी को परचेज करते हैं तो उसके हर चैप्टर में तीन सेक्शन दिए हुए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो मैं कहूँगा कि सेक्शन ए केवल टॉपिक को टच करके दिया हुआ है, सेक्शन बी में पुरानी परीक्षाओं में सभी प्रकार की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का समावेश किया हुआ है, सेक्शन सी में थोड़े जटिल प्रश्न डाले गए हैं। तो जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी करता है उसको तो सेक्शन सी भी पढ़ना चाहिए, लेकिन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी तक अगर आप सेक्शन ए और सेक्शन बी को उसमें पढ़ेंगे जिसमें पुराने सभी परीक्षाओं के प्रश्न समावेशित हो जाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई लगे कि भाई इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन इस बुक में सेम ही पैटर्न के आ रहे हैं तो भी आलस नहीं करें, उन दोनों तीनों प्रश्नों को सभी को निकालें, मेहनत ही एक सफलता का तरीका है। बाकी अगर आप स्मार्ट स्टडी के चक्कर में पढ़ोगे कि भाई हाँ इन टॉपिकों को अपन हल्के में पढ़ लेते हैं बाकी टॉपिकों को तैयार कर लेंगे, तो ऐसा नहीं चलता, क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार के अगर अपन पेपर को देखें तो पिछली बार के पेपर में क्या हुआ था कि रिसफलिंग कर दी थी प्रश्नों की, पेपर आसान था पर क्वेश्चंस की रिसफलिंग होने के कारण बच्चों को थोड़ा सा वो अटेम्प्ट करने में टफ लगा था। सर हाँ सर दीपक जी, आपने जैसा एक बताया कि शुरुआत जो अपन करें वो एनसीईआरटी बुक से करें और निश्चित रूप से एनसीईआरटी अपनी सफलता की पहली सीढ़ी होगी, और उसके बाद आपने बताया कि आरबीएससी बोर्ड की तरफ अपन बढ़ते जाएं, और आपने बहुत सारी टेस्ट किताबों के नाम बताए, तो सर आपने जो किताबों के नाम बताए क्या ये स्कूल व्याख्याता के लिए पर्याप्त रहेंगे? सर हाँ, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए जो मैंने दो आपको किताबें बताई थी, एक तो एस आर सैनी सर की किताब है जयपुर पब्लिकेशन हाउस की और एक यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर है, इन दोनों में से किसी भी एक को परचेज कर लें आप, क्योंकि लगभग दोनों में सर समान सा मेटर दिया हुआ है। सर इसके लिए बहुत सारे प्रश्न बच्चों के आते हैं, सर अभ्यास प्रश्न पत्र अभ्यास करना हो तो इसके लिए कोई बुकलेट आती है गणित के नाम से कि जिनसे बच्चे अपना घर बैठ के अभ्यास कर सकें, मॉडल पेपर वगैरह ऐसा कुछ आता है आपकी कक्षा 11 और 12 के अगर फर्स्ट लेवल की बात करें जिनके 55 क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए मैंने आपको जो किताब बताई है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, एक एक चैप्टर के पीछे आपको लगभग 150-200 क्वेश्चन प्रॉब्लम सोल्व करने को मिल जाएंगी, तो ये इतना सफिशिएंट होता है, यदि आप इतना सब कर लोगे तो बहुत मोर देन इनफ होता है। जी सर, सर ये जैसे आपने स्कूल व्याख्याता का सिलेबस बता दिया है कि आरबीएससी बोर्ड और एनसीईआरटी को अपना बेस मानते हुए, और उसके बाद आपने टेस्ट किताबें ही बताई हैं, यदि इनको अपना आधार मान लें तो निश्चित रूप से अपन टॉप रैंक के साथ मैथमेटिक्स में अपना भविष्य संवार सकते हैं। तो सर जैसे बच्चा स्कूल व्याख्याता के साथ यदि नेट एग्जाम की भी तैयारी करना चाह रहा हो तो नेट के लिए क्या ये जो आपने सजेस्ट किया ये पर्याप्त रहेंगी या नेट के लिए कुछ अलग से थोड़ा बहुत अलग पढ़ना पड़ेगा? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, ये कक्षा 11 और 12 तक के लेवल की ही बातें थी। जी सर, अगर अपन व्याख्याता भर्ती परीक्षा में ही बात करें वापस से तो ग्रेजुएशन में भी कुछ किताबें हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा। और ग्रेजुएशन लेवल स्कूल व्याख्याता का ये आपने 11th और 12th का लेवल बताया है और ग्रेजुएशन लेवल में अलग से आप बुक सजेस्ट करेंगे, सर बताएं प्लीज। व्याख्याता भर्ती परीक्षा में ही जो ग्रेजुएशन लेवल की सेकंड लेवल का जो 55 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जयपुर पब्लिकेशन हाउस की किताबें या ले लें हम या फिर डॉक्टर गोखरू सर की किताबें आती हैं नवकार प्रकाशन की, इन दोनों में से किसी भी एक किताब का पूरा सेट लेना है अपने को, जो भी अपने सिलेबस में किताबें हैं वो। थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँगा स्कोरिंग किताबें कौन सी हैं जिनमें आप स्कोर कर सकते हो और ऐसी कौन सी किताबें हैं जिनमें थोड़ी आपको मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी स्कोर करने के लिए। वेक्टर कैलकुलस की बुक हो गई, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस की बुक हो गई, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, 3D और थ्योरी ऑफ इक्वेशन। व्याख्याता भर्ती परीक्षा में ये 6 किताबें ऐसी हैं जो लगभग प्रत्येक बच्चा इन क्वेश्चनों को स्कोर करने का प्रयास करता है, और मैं कहना चाहूँगा कि लगभग इनमें से 30 प्रश्न आपके हो जाएंगे जो एवरीबडी कैन स्कोर इस टॉपिक को अगर टच करे तो। जहाँ तक बात हो गई रियल एनालिसिस की, डायनेमिक्स की, स्टैटिक्स की और डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ गया और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ गया, अगर आपको इन 4 विषयों में थोड़ा स्कोर करना है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा बनिस्बत उन 6 किताबों के। सिलेक्शन लेना उन 6 किताबों से भी संभव है, लेकिन अगर सिलेक्शन के साथ साथ आपको अच्छी रैंक में सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको इन 4 किताबों को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इन 4 किताबों से प्रश्न आएंगे 20 लगभग। और आपको मैं बताना चाहूँगा डिफरेंशियल इक्वेशन और
उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं मैंने हार्ड वर्क वाली में डाला है। आप ये सोचोगे कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये तो ईजी होती है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो 10% डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से आते हैं बहुत सारे बच्चे तो ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन उनको अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते। तो उनको अटेम्प्ट कैसे किया जाए, शॉर्ट तरीके से कैसे किया जाए, इसके लिए मैंने इसको डाला है कि आप इसमें हार्ड वर्क करें। प्रश्न लगभग एक जैसे होते हैं, एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको लगभग एक जैसे मिलेंगे, पर ज़्यादा मात्रा में प्रश्नों को अटेम्प्ट करने के लिए इनमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। मैंने बताया रियल एनालिसिस, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन, इनमें आप थोड़ी मेहनत करें। अगर आप JPH और नवकार प्रकाशन की किताबों में दोनों में तुलना करोगे तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि नवकार प्रकाशन की किताबें इस मामले में कंपटीशन में थोड़ी आपको ज़्यादा बेटर पड़ेंगी। कारण क्या है? कारण एक तो उसके लास्ट में हर चैप्टर के लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले हुए हैं, अब तो JPH की किताबों में भी शुरू हो गए। उसके अलावा हर चैप्टर में फुट नोट्स और हेड नोट्स भी उन्होंने डाले हैं। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आ गया तो उसके नीचे उन्होंने फुट नोट में लिख के दिया कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट बात है, या किसी टॉपिक में हेड नोट डाला है कि इस टॉपिक को कहाँ से उठाया गया है, किस देश में इसकी शुरुआत हुई है, वगैरह वगैरह बातें हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को उन्होंने स्टार मार्क भी करके दिया हुआ है। अगर आप देखोगे बुक को डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये नवकार प्रकाशन की किताबों में कुछ ज़्यादा फैसिलिटी दी हुई है। कंसेप्ट की जहाँ तक बात करें तो JPH और नवकार प्रकाशन लगभग समतुल्य सी किताबें हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिहाज से बात करें तो नवकार प्रकाशन को तवज्जो देनी चाहिए। जहाँ तक बात है PG के टॉपिक की, आपको ध्यान होगा कि जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा है उसमें PG लेवल के भी 10 प्रश्न आते हैं। जो बच्चा तैयारी कम करता है या स्मार्ट स्टडी के चक्कर में पड़ता है वो PG के इन टॉपिक्स को छोड़ के चलता है। मैं उन सभी बच्चों को खासकर कहना चाहूँगा जिनको अच्छी रैंक लेके आनी है, ये PG के सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अगर मैं पूरे 150 प्रश्नों में से सबसे आसान 10 प्रश्नों की बात करूँ तो वो यहीं से उठ के आते हैं। बहुत सामान्य सी बात करेंगे अपन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, रैखिक प्रोग्रामन समस्या LPP, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म और स्पेशल फंक्शन और डिफरेंशियल ज्योमेट्री। ये चार टॉपिक हैं, जिन चार टॉपिक से 5 क्वेश्चन आएंगे और ये 5 क्वेश्चन आपको पेपर के सबसे आसान प्रश्नों में से एक मिलेंगे। थोड़ी मेहनत जहाँ करनी पड़ेगी आपको वो है टेंसर, लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिक स्पेस। यहाँ से आपको 4 प्रश्न मिलेंगे, यहाँ आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप पहले मैंने जो स्कोरिंग बताया उनको लेके चलोगे तो आपके उन 10 प्रश्नों में से 6 प्रश्न तो बिल्कुल आसानी से अटेम्प्ट हो जाएंगे। बाकी 30 प्रश्न भाई साहब के साइकोलॉजी के आते हैं, जो मेरे से बेटर आपको भाई साहब बताएंगे। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 2-3 चीज़ें बहुत मुझे अच्छी लगी। एक तो कि मैथमेटिक्स में कि अदर सब्जेक्ट में आप स्मार्ट वर्क के सारे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गणित एक ऐसा विषय है जो हार्ड वर्क मांगता है, और कहा भी जाता है कि गाड़ी और गणित जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतने ही ज़्यादा आप प्रखर होते जाएंगे। तो निश्चित रूप से आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और उसमें भी 2 कैटेगरियाँ सर ने बताई हैं कि एक सामान्य रूप से आपको सिलेक्शन लेना है तो आप ये बुक्स पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं, और हार्ड वर्क के लिए सर ने अलग से 4 से 5 किताबें बताई हैं। यदि वास्तव में आपको टॉप रैंक में आना है, जैसे सर ने गणित विषय में टॉप रैंक के साथ हर एग्जाम को क्रैक किया है, तो वैसे ही आपका इरादा भी टॉप रैंक के साथ है, तो सर ने जो दोनों कैटेगरी की किताब बताई हैं आप दोनों कैटेगरी के साथ यदि तैयारी की शुरुआत करते हैं और इसको चरम लेवल पे लेके जाते हैं तो निश्चित रूप में से आपका भी स्थान सर की तरह ऑल राजस्थान में टॉप रैंक के साथ होगा। तो सर आपने अभ्यास के साथ भी बता दिया कि इनके साथ अभ्यास प्रश्न पत्र भी हैं, अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट आपने 11th और 12th से शुरुआत करते हुए अपना BA लेवल का जो पार्ट आपने बता दिया और MA लेवल की बुक्स भी आपने बता दी कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो क्या स्कूल व्याख्याता के लिए रणनीति कंप्लीट रहेगी? सर बिल्कुल, मैं तो सर से कई बार हमारी चर्चा होती रहती है तभी बात करता हूं कि बच्चा वही सिलेक्ट होगा जो तैयारी प्रारंभ करेगा नियत के साथ। जिस बच्चे ने तैयारी शुरू करने से पहले ये बना लिया कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, पहला चरण जो होता है ना वो नियत होती है। आप सबसे पहले क्या करें, जहां आपको जिस कंपटीशन में आपको भाग लेना है उस कंपटीशन को ही सर्वोच्च माने कि मुझे कम से कम एक बार इसको ज़रूर छूना है, वो एक प्रथम सीढ़ी मानेंगे। उसके बाद आगे के कंपटीशन के रास्ते हमारे उसके बाद खुलेंगे। नियत बना लें, जो भी काम करना है नियत के साथ करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जरूर, ये कि शब्द आपका बहुत मोटिवेट करता है, मुझे भी कई बार बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, लेकिन आपका जो शब्द है नियत, जिंदगी में सबसे पहली चीज कि मैं वास्तव में करना चाहता हूं या करना चाहता हूं, दोनों में बहुत फर्क होता है दोस्तों। तो वास्तव में जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे मस्ट सिलेक्शन लेना है, उस दिन आपको नियत बनानी पड़ेगी, और जिस दिन आपकी नियत बन गई उस दिन दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको टॉप रैंक के साथ या सिलेक्शन से रोक सकती है। तो यदि इस रणनीति को आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से, जैसे कि सर शेखावाटी में एक बड़ा नाम है, इन्होंने गणित को जिया है, बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ाया है, और खुद इन्होंने एक टॉप रैंक के साथ एक संदेश भी दिया है
कि यदि हम चाहें तो टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सर ये स्कूल व्याख्याता के लिए पर्याप्त है। मैं ये पूछना चाहूँगा यदि बच्चा यदि नेट की तैयारी करना चाहता है, अभी कॉलेज लेक्चर की भर्ती आने वाली है, तो उसके लिए नेट की तैयारी करना चाहे तो उसके लिए नेट के लिए कोई अलग से बुक्स रहेंगी या ये जो स्कूल व्याख्याता की आपने बताई है पर्याप्त रहेंगी? सर नहीं सर, नेट के लिए बिल्कुल ही अलग लाइन में स्टडी करनी पड़ती है मैथमेटिक्स में। आपको जैसा ध्यान होगा कि CSIR मैथमेटिक्स का नेट कंडक्ट करवाता है एग्ज़ाम। पेपर पैटर्न रहता है कि पूरे नेट के पेपर में तीन सेक्शन में पेपर बटा हुआ आता है, जिसमें से सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन आते हैं, हमें उनमें से अधिकतम 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, ऐसे 30 मार्क्स अधिकतम हम सेक्शन ए में प्राप्त कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी वहाँ रहती है 0.50 की माइनस में। और पार्ट बी में जहाँ तक अपन बात करें तो 40 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से अधिकतम हम 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 75 मैक्सिमम स्कोर वहाँ अपन रख सकते हैं। यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग रहती है माइनस का 0.75 नंबर के लिए। और अगर अपन सी सेक्शन की बात करें जो कि नेट के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है, उसमें टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं। ये मल्टीपल करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एक से अधिक ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। इन 60 प्रश्नों में से आपको अधिकतम 20 ही प्रश्न करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 0.5 नंबर का आता है, आप अधिकतम इसमें से 95 नंबर स्कोर कर सकते हो, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो मैं सर से कहना चाहूँगा कि वो बच्चा जो सेक्शन ए को, क्योंकि जो भी मैथमेटिकल साइंस से नेट करता है वो सेक्शन ए को थोड़ा इग्नोर करके चलता है, फ्रेंकली बोल रहा हूँ मैं बच्चों को। सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन हम अधिकतम अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं सर को बताना चाहूँगा कि जिन 2 या 3 प्रयासों में मैंने नेट क्लियर किया है, उनमें मेरे इन सेक्शन ए में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं मैंने, जिससे मुझे बेनिफिट मिला आगे के 2 सेक्शंस को कवर करने में। मैं बताना चाहूँगा सेक्शन ए में जनरल एप्टीट्यूड के, जनरल मैथमेटिक्स के और जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं। बच्चों को बताना चाहूँगा कि 15 प्रश्न उन 20 में से जनरल मैथमेटिक्स के ही आ जाते हैं, जनरल साइंस के तो सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं। तो हम मैथमेटिक्स वाले उन 15 क्वेश्चनों को भी करके वो पूरा कोटा पूरा कर सकते हैं। तो आप कक्षा 10 तक की मैथमेटिक्स को उसमें तैयार करें, कक्षा 10 तक की मैथमेटिक्स, किसी 11वीं 12वीं या ग्रेजुएशन की किताबों की आवश्यकता उसके लिए नहीं है। सेक्शन बी और सी की जहाँ तक बात है, स्कोरिंग रहेगा सेक्शन सी, लेकिन सेक्शन बी भी अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि वहाँ से 25 क्वेश्चन हमें करने पड़ते हैं। 3 नंबर का हर क्वेश्चन होता है 75। मैं कुछ बुक्स सजेस्ट करूंगा आपको, उन बुक्स को पढ़ें, लेकिन हाँ शुरुआत इन बुक्स से कभी ना करें। शुरुआत करें आप जिस भी यूनिवर्सिटी में, जिस भी जगह पढ़ रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी या उस बुक्स की जो टेक्स्ट किताबें हैं वहाँ से शुरुआत करें। मैं किताब सजेस्ट करता हूँ आपकी, जोसेफ एगेलियन की कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आती है, ये आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी या फिर जयपुर जैसे शहर में आपको कहीं भी किताबें मिल जाएंगी। जोसेफ एगेलियन की इस कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को उठाने से पहले आप ये इंश्योर कर लें कि आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का बेसिक नॉलेज है जो ग्रेजुएशन और पीजी में आता है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी जटिल है, कारण कि ये फॉरेन राइटर की बुक है तो थोड़ी सी इंग्लिश में आपको समस्या आ सकती है। अगर बात करें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, तो एक बुक आती है डॉक्टर HS कसाणा की, और इसका पब्लिशर है PHI लर्निंग पब्लिशर है, राइटर है डॉक्टर HS कसाणा। बुक का नाम आता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल थ्योरी एंड एप्लीकेशन। वही बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, बेसिक तैयारी करके इस किताब को उठाएं, यहाँ से आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की इस बुक से नेट में आपको एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएंगे। हो सकता है कोई प्रश्न HS कसाणा सर की बुक में लिखा हुआ है वो ऐसा कैसा आपको नेट के पेपर में देखने को मिल जाए, तो इस बुक को भी तैयार करेंगे हम। एस चंद पब्लिशर की डॉक्टर MD राय सिंघानिया की बुक आती है एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन की, आप चाहे तो इससे शुरुआत करें। जो भी बच्चा नेट की प्रिपरेशन करना शुरुआत करता है उसको ये सबसे पहले ये किताब उठा लेनी है। एस चंद पब्लिशर है, MD राय सिंघानिया सर राइटर हैं, उसके बुक का नाम आता है एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि सी सेक्शन में लगभग 20 क्वेश्चन जो आपको करने होंगे उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आपको इसी बुक से देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि मोटी किताब है, तैयारी भी इसमें स्पेशल करनी पड़ेगी आपको। डॉक्टर SC मलिक और सविता अरोड़ा की किताब आती है मैथमेटिकल एनालिसिस के नाम से, जिसमें आपको री एनालिसिस का पोर्शन मिल जाएगा। पब्लिशर है इसका न्यू एज इंटरनेशनल लिमिटेड। आपको यहाँ से भी बी सेक्शन में खासकर बहुत सारी हेल्प मिलेगी। बी सेक्शन का जो एक पोर्शन है वो पूरा ही री एनालिसिस पर आधारित आता है, तो आप यहाँ से भी 4 या 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। सोम सीरीज़ की बुक आती है लीनियर अलजेब्रा की, टाटा मैग्रा हिल एजुकेशन उसका पब्लिशर है, आप इस बुक को भी उठाएं। लेकिन फिर से वही बात है, बेसिक किताबें पहले पढ़ें, आप वेक्टर स्पेस हो गया, मेट्रिक स्पेस हो गया, उसको पहले तैयार करें, फिर लीनियर अलजेब्रा की इस बुक को उठाएं। एक सलाह मैं आपको और देना चाहूँगा, MSc का जो पोर्शन होता है उसमें इंटीग्रल इक्वेशन की बुक आती है। इंटीग्रल इक्वेशन के आपको बी सेक्शन में भी क्वेश्चन मिल जाएगा और सी सेक्शन में भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो एक इंटीग्रल इक्वेशन के लिए सिर्फ आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं और वो आपको नेट में 10 नंबर की हेल्प करेगा। लगभग 0.5 नंबर का एक क्वेश्चन तो आपको सी सेक्शन में मिलेगा, किस्मत अच्छी हुई तो 2 क्वेश्चन भी यहाँ से आपको सी सेक्शन में मिल सकते हैं।
बी सेक्शन में भी आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक या दो। तो कम से कम 10 नंबर की हेल्प आपकी इंटीग्रल इक्वेशन वाली बुक भी कर सकती है। और ये इंटीग्रल इक्वेशन की जो बुक है वो एमएससी पढ़े हुए बच्चे करंट में उसके टच में भी रहते हैं, तो सारे बच्चे जिन्होंने अभी अभी ताज़ा ताज़ा इंटीग्रल इक्वेशन की बुक पढ़ी है वो एक बार उसको दोबारा नेट की एग्जाम देने से पहले देख के जाएं, क्योंकि वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। निश्चित रूप से सर, आपने नेट के लिए शानदार तरीके से पार्ट को डिवाइड करते हुए बता दिया कि ये बुक यदि आप पढ़ते हैं तो जो CSI नेट का एक डर है बच्चों में कि गणित में मैं नेट बहुत कम लोगों की होती है, तो ये डर जो है इसको बाहर निकालिए और जो सर ने रणनीति बताई यदि इसको आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी नेट होगी, सेट होगी और आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए एक प्रकार से एलिजिबल होंगे। सर, एक प्रश्न और बच्चों को आ रहा है कि जैसे अभी बजट में घोषणा हुई 21,000 पदों की, तो निश्चित रूप से उसमें सेकेंड ग्रेड भर्ती भी आने संभावना है रीट के साथ साथ, तो सेकंड ग्रेड भर्ती जो आएगी तो उसके लिए यदि सेकंड ग्रेड की तैयारी बच्चा करना चाहता है तो ये जो आपने बुक्स बताई ये इनसे हटके कोई बुक्स रहेगी या इन्हीं के माध्यम से सेकंड ग्रेड की तैयारी हो जाएगी? जहाँ तक सेकंड ग्रेड के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात है, कक्षा 10 और 12 के लेवल के 90 क्वेश्चन आते हैं टोटल 180 मार्क्स का, और ग्रेजुएशन लेवल के 40 क्वेश्चन आते हैं 80 मार्क्स के, टीचिंग मेथड के भी 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, टोटल ऐसा 300 नंबर का पेपर होता है। हम अगर सिलेबस की बात करें तो ऑलमोस्ट व्याख्याता भर्ती परीक्षा में सिलेबस सेकंड ग्रेड की बनिस्पत थोड़ा सा ज़्यादा ही है, मतलब जो बातें हमने व्याख्याता भर्ती परीक्षा की किताबों के लिए करी है अगर वही किताबें वही बातें हम सेम टू सेम फॉलो करें कहाँ पे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी, छोड़ के किस पोर्शन को, पीजी के पोर्शन को, क्योंकि पीजी का पोर्शन उसमें नहीं आता है। तो ग्रेजुएशन को वहाँ ग्रेजुएशन में भी सिलेबस कम है, केवल एक टॉपिक का फ़र्क है डिफरेंस इक्वेशन का, न्यूमेरिकल एनालिसिस के साथ साथ वहाँ डिफरेंस इक्वेशन भी डाल रखी है जिसका सिर्फ एक या दो ही प्रश्न आता है, तो बाकी लगभग सारा का सारा वही सिलेबस वही किताबें रहेंगी जो आपने व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी की है, तो उन्हीं किताबों को तैयार करें। खासकर मैंने जो बताया कि वो टेक्स्ट बुक जो जयपुर पब्लिकेशन हाउस की थी उसमें हर चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन डाले हुए हैं एक यूनिट हर बार उन्होंने ऐसी बनाई है जो पुरानी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। आप, मेरी सलाह रहेगी कि आप बार बार उन प्रश्नों को जरूर निकालें, ज़्यादा प्रश्न नहीं रहेंगे, हर यूनिट के पीछे आपको 40 से 50 क्वेश्चन ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं है, मैथमेटिक्स में 40-50 प्रश्न ज़्यादा नहीं होते हैं, तो आप उन 40-50 प्रश्नों को जरूर निकालें और उसको बार बार निकालें, क्योंकि कंपटीशन का जो तरीका है वो लगभग सभी परीक्षाओं में समान ही रहता है। मैथमेटिक्स में कोई प्रश्न अगर किसी IIT या AIEEE लेवल में आया हुआ है तो हो सकता है वो का वही या आंकड़े बदल के उसी प्रकार का दूसरा प्रश्न आपको वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में या व्याख्याता भर्ती परीक्षा में भी देखने को मिल जाए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हार्ड वर्क करना है, क्योंकि इसमें क्या है, गणित में पहले फॉर्म कम लगते थे, अब जैसे जैसे गणित का ट्रेंड बढ़ने लगा है परीक्षार्थियों की संख्या भी ज़्यादा हो गई है, लेकिन जैसा भी मैंने कल भाई साहब से मेरी चर्चा हो रही थी तब हमारी बातें हुई थी कि कंपटीशन वास्तविक कंपटीशन है वो पहले भी टॉप 5,000 में होता था, आज भी टॉप 5,000 में ही होता है, छात्रों की संख्या बढ़ गई होगी लेकिन मेहनत करने वाले बच्चों को सफलता की पहले भी कमी नहीं थी और सफलता की आज भी कमी नहीं है। बहुत सुंदर बताया सर ने, सेकंड ग्रेड की जो रणनीति रहेगी वो आपने MA के जो सब्जेक्ट है MA की जो बुक्स हैं उनको छोड़ के यदि आप 11वीं 12वीं और BA का जो पोर्शन है उसको लेकर आप तैयारी करते हैं तो सेकंड ग्रेड में निश्चित रूप से सफल होंगे। और कंपटीशन की जहां तक बात है दोस्तों, कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने फॉर्म लगाए जाते हैं, बस एक बात दिमाग में रखें कि मुझे एक सीट लेनी है और मैं निश्चित रूप से लेके जाऊँगा, आई कैन डू इट, आप 100% वो सीट ले जाएंगे। तो सर, आपने हमें टाइम दिया, आपने पूरी रणनीति बच्चों के साथ शेयर किए और निश्चित रूप से मानता हूं कि आपकी बताई गई रणनीति पे मैथ विषय का कोई भी स्टूडेंट यदि इसको फॉलो करता है तो निश्चित रूप से वो सफल होगा। आप अंतिम रूप से कोई संदेश बच्चों को देना चाहें? सेल्फ मोटिवेटेड रहें, आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने से पहले अपने आप को इसके लिए तैयार कर लें कि मुझे इसमें करना है, और आई कैन डू इट सर ने कहा, आई विल डू इट मैं कहता हूं आपको, हमें करना ही है। जैसा कि सर मोटिवेट करते रहते हैं बच्चों को, मैं इन सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक अभिप्रेरणा जो शब्द आपके साइकोलॉजी से ही उठाया हुआ है सर, और आपने बच्चों में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का काम जो प्रारंभ किया है, इस चेतना को आप भी जगाए रखें, जो चेतना सर ने आपने आप में जगाने का प्रयास किया है आप वो चेतना अपने भीतर भी जगाएं, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो वो लो, वो दीपक आपको अंदर जलाना है और उस दीपक को जला के ये जो दीपक सर ने जो आपको एक रास्ता दिखाया है, एक रणनीति बताई है, इस रास्ते पर चलते हुए आपको सफलता का शिखर छूना है। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक गणित के जो अभ्यर्थी हैं उन तक पहुंचाएं ताकि एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन उन बच्चों को घर बैठे मिल सके। ये श्रृंखला क्रमशः जारी रहेगी, आने वाले दिनों में कुछ नए विषयों को लेकर मैं रणनीति लेकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।